और इसे ढक देते हैं, तो यहाँ 4 था तो यहाँ कितना था स्टूडेंट, 8 था ना। तो ये हर स्टेप को चेक करने का तरीका होता है कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम एक लास्ट क्वेश्चन के की ओर चलते हैं और फिर देखते हैं उसे क्या कैसे बनाते हैं हम। तो स्टूडेंट फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिविजन मेथड ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास 13225। अब इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है बाय लॉन्ग डिविजन मेथड। सभी स्टूडेंट्स अपने वीडियो को पॉज कीजिए और एकदम ऑनेस्टली इस क्वेश्चन को बनाइए। ओके स्टूडेंट, मैं इसे इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ लेकिन आप लोग पहले बनाइए और उसके मैच कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो नंबर था वो ये नंबर था। ओके स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम ना। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्या, अब हमारा काम क्या होगा, पेयरिंग करने का। अब फिर देखिए क्या हो गया, यहाँ दो पेयरिंग में आया और एक अनपेयर्ड आ गया। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, 1 1 1 यहाँ पर आ गया, खत्म कहानी। यहाँ पे डिविजर में उतना ही ऐड कर देंगे, आ गया 2। एनी प्रॉब्लम, हम पेयर्ड नंबर को उतार देते हैं, उतार दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत, पेयरिंग में 32 को उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये वाली बात नहीं, यहाँ जीरो वगैरह की बात नहीं है, एनी प्रॉब्लम ना। चलिए स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं, अब इसके क्लोजेस्ट वैल्यू जाना है तो 21 1 जा 21, क्योंकि 2 टाइम्स में देंगे तो 22 जा क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ दे दिया हम लोगों ने 1, क्योंकि यहाँ डिविजन में 1 दिया था, क्वेश्चन में 1 दिया तो उतना ही ऐड भी कर लेंगे। यहाँ माइनस, यहाँ 22 आ गया और यहाँ माइनस करने के बाद 1 और 3 में से 2 गया तो 1। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, नहीं ना, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पहले 25 को उतार देते हैं, क्या करते हैं, 25 को उतार दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, अब इतना वैल्यू लाना है। अब देखिए ये बड़ा वैल्यू हो गया, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ अगर कोई डिजिट डालेंगे तो वो 3 डिजिट होगा। अब इस 3 डिजिट के वैल्यू को 4 डिजिट के वैल्यू के बराबर करना है तो आगे कितना मल्टीपुल देंगे ये। अब देखिए यहाँ पर एक नया चीज आया जो मैं आपको बता रहा हूँ, गौर कीजिएगा। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, जब इस तरह का वैल्यू होगा तो हम कितनी बार में मल्टीपुल कर देंगे, 2 2 1, मतलब 200, यहाँ पर 1 देते हैं तो 1 टाइम से मल्टीपुल करना पड़ेगा, अगर 2 देते हैं तो 2 टाइम से मल्टीपुल करना पड़ेगा, अगर 3 देते हैं तो 3 टाइम से मल्टीपुल करना पड़ेगा। तो ये कितनी बार करते रहेंगे सर, ये आपके दिमाग में आएगा कि आखिर कितनी बार कर करेंगे, ये तो काफी बड़ा हो जाएगा वैल्यू, होगा ना, ऑफकोर्स होगा। तो चलिए स्टूडेंट याद कीजिए, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा, जब इस तरह का सिचुएशन आए ना, तो जब यहाँ देखिए कि अगर हम यहाँ डिजिट डाल रहे हैं, एक डिजिट डालेंगे तो ये 3 हो जाए और यहाँ 4 हो, अगर यहाँ 1 दिया हो, अगर दूसरा डालते और यहाँ 3 डिजिट होता तो 3 4 का कॉम्बिनेशन, 2 3 का कॉम्बिनेशन, इस तरह का जब होता है तो हम क्या करेंगे कि पहले सिर्फ फर्स्ट वाले डिजिट को देखेंगे। तो यहाँ कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 2 दिया, एक डिजिट क्या दिया हुआ है, 2, और इसका 2 डिजिट ले लेंगे, इसका 1 लेंगे और इसका 2 लेंगे और फिर डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। तो 2 2 4 2 2 4 2 5 2 2 4 2 6 2 4 8 2 5 12, तो अगर 6 टाइम्स में लेंगे तो 12 आता है जो कि इससे बड़ा हो गया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हम कहां तक ले सकते हैं, सिर्फ 5 तक ले सकते हैं, कहां तक ले सकते हैं, 5 तक। तो 5 2 5 10, जो कि बहुत क्लोजेस्ट क्या है, बहुत ही क्लोजेस्ट, तो हमें तो क्लोजेस्ट वैल्यू चाहिए, तो हम सीधा सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू पे जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो एक ही बार में आपको दे देगा, कभी कभी होगा कि वो एक बार में नहीं देगा, लेकिन आपको एक इस ट्रिक से, इसका 1 लेंगे और इसका 2 लेंगे तो आप कितने भी बड़े नंबर को जब डिवाइड करने जाएंगे, लेकिन वो किस कब करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे, जब यहाँ एक डिजिट लिखने के बाद ये 2 का कॉम्बिनेशन हो तो यहाँ 3 का कॉम्बिनेशन, अगर यहाँ पर एक डिजिट लिखेंगे तो यहाँ 3 बनेगा, तो यहाँ 4 का कॉम्बिनेशन है, इस तरह के पेयरिंग में होता है ये, और ध्यान दीजिएगा और आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर बन जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ 2 और यहाँ 11 है, तो 2 5 10, तो 5 टाइम्स में लेके देखते हैं क्या आता है हमें। तो जैसे ही हम 5 टाइम्स में लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 25 5 2 2 5 10 12 1 2 5 10 1 11, स्टूडेंट क्या हुआ,
ये तो कैंसिल हो गया, मतलब हमारा जो वैल्यू है वो आ चुका है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 13225 इज इक्वल टू कितना आ गया, 115। 115 मतलब यह नंबर जो है, इसका स्क्वायर रूट 115 होगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि यह नंबर जो है 115 का स्क्वायर के बराबर है। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? फिर इसे चेक करने का जो तरीका था हम चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, लास्ट वैल्यू मिलाइए यहाँ पर 115, उसका दुगुना करेंगे तो क्या आएगा, 230 होता है, एकदम होता है स्टूडेंट। तो देखिए बड़ी आसानी से हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालने का तरीका सीख लिया बाय लॉन्ग डिविजन मेथड। तो स्टूडेंट आपका आज का होमवर्क ये है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी एक्सरसाइज है, क्योंकि नए बुक में हल्का सा एक्सरसाइज का चेंजिंग वगैरह हुआ है, तो इस टॉपिक से बाय लॉन्ग डिविजन मेथड फाइंडिंग द स्क्वायर रूट आप सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे फेयर कॉपी में, और आज से इस शेड्यूल को आप रेगुलर करेंगे। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको बना करके, क्योंकि आपके पास रिक्वायर्ड टाइम है, आप घर में उसे बना करके और आप उसका स्नैप 7 से 8 के बीच में डालेंगे। ओके स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क होगा आज का। और साथ ही साथ स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका प्रीवियस चैप्टर्स पढ़ाई हुआ है उसका भी फेयर कर लें, ताकि मैं किसी भी पर्टिकुलर डे पर उसको एक बार मैसेज दूँ तो आप लोग उसका फॉरवर्ड कर सके स्नैप। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? दो ना, आई होप आप लोग को आज का क्लास समझ में आया हो। थैंक यू।